शादी प्रज्ञा ठाकुर जी के निवास में जो कि रजत समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, जो सांसद जी द्वारा सांसद में मुद्दा उठाया गया, आज हम उनसे बात करते हैं। सांसद आज आपको रजत समाज आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करने आए थे, आज रजत समाज के लिए क्या वैसे सच बताऊं तो मेरी लोकसभा में तो रजक समाज एसटी में आता है, एससी में आता है, मेरी लोकसभा है भोपाल और सीहोर और रायसेन, तो रायसेन हमारी लोकसभा नहीं है लेकिन रायसेन में भी आता है, तीन जिले हैं जिसमें वो अपने अनुसूचित जाति में आते हैं परंतु पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आते। तो इस विषय को लेकर के जब संसद में इस बिल को तीसरे चरण में लाया गया तो तीसरे प्रस्ताव में मैंने इसका अपना विषय रखा उस बिल के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी ऐसी रजक यानी धोबी समाज की ये स्थिति है, उनको और परेशानी होती है कि अगर ये भोपाल का व्यक्ति बिट चला जाए, भोपाल का व्यक्ति अपना छतरपुर चला जाए तो समस्या उसको, और वहाँ का व्यक्ति यहाँ आ जाए तो सर्विस में परेशानी की, कहाँ वो कभी एससी में आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, तो ये विसंगति। इसके लिए मैंने वहाँ कहा कि वह जितने भी जिले हैं सभी में समाज रजक समाज जो हमारा है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए और उनको अनुसूचित जाति में जोड़ दिया जाए तो सबको एक जैसा लाभ मिलेगा और सभी अपनी उन्नति कर पाएंगे। और 70 वर्ष इनका कहना है 70-72 वर्षों से जब से संविधान बना है तब से हमारी मांग है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमें हमारी जनता के लिए हमारे लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिला, हमारे सब परिवार के लोग हैं, अगर कहीं किसी प्रकार से उनको कोई तकलीफ है या वो किसी सुविधा से वंचित है तो उनको वो प्राप्त होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है और आप सबका अधिकार है, इसलिए मैं आपकी बात कही और मुझे लगता है ये अच्छे से पूरा होगा। माननीय मोदी जी की सरकार है, वो कभी किसी को वंचित नहीं रखेंगे। और आने वाला 2023 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं अपने समाज के लिए जो योजनाएं हैं वहां तक पहुंचे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। तो ये